दोस्तों, यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर के बारे में लर्न करेंगे। जैसे कि इसका नाम है पेमेंट वाउचर, कोई भी हम पेमेंट करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे कैश की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे सप्लायर को हो, चाहे किसी एक्सपेंस के लिए हो, इसी वाउचर का यूज़ किया जाएगा। इसमें हम लोग तीन एग्जाम्पल लेंगे। अमाउंट पेड टू सप्लायर और वेंडर्स, 1 अप्रैल को हम 5,000 की एडवांस पेमेंट करेंगे। दैन कैश पेमेंट करेंगे एक्सपेंसेस के लिए, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं पैटी कैश के लिए, वो हम इससे यूज़ कर सकते हैं। देन कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर द टूर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीन तरह की हम लोग पेमेंट है, इसको करेंगे टैली के अंदर में। टैली हमने ओपन कर लिया है, गेटवे ऑफ टैली से आप वाउचर्स में जाएंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पेमेंट वाउचर नहीं आता है तो आप F5 प्रेस करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी पेमेंट वाउचर पे आ सकते हैं। आप कैश या बैंक को सेलेक्ट करेंगे ऊपर, तो पहली थी बैंक से, तो HDFC का अकाउंट का हम लोग यूज़ करेंगे, और हम सप्लायर, तो यहाँ पर हमने अकाउंट बनाया होगा, हम देख लेते हैं डेटर, और ये है सप्लायर लोकल, इसको हम लोग 5,000 का पेमेंट करेंगे। यहाँ पर भी जैसे कि हमने रिसिप्ट में किया था बिल वाइज की एंट्री करेंगे, तो ये हम एज ए एडवांस दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50% एडवांस, पूरी तरह से लिखेंगे जो अच्छे से याद रहे एडवांस। एंड ये इमीडिएटली जो है वो 17 अप्रैल को नहीं, सॉरी, एक दिन बाद ही वो ड्यू हो जाएगा 5,000 रुपये, और यहाँ पर इसकी एंट्री कर लेंगे। हमने ये बाई NEFT के दिया था, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट नंबर, IFC डिटेल्स वगैरह सब लोग डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज अप पे जाएं और यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करें, करंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर प्रिंट पे फायर करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप येस और नो कर सकते हैं। तो ये थी एक पेमेंट। अब सेकंड पेमेंट हम करते हैं पैटी कैश की, जो कि एक्सपेंसेस के लिए रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने किसी एम्प्लॉयज़ को कन्वेंस के लिए एक्सपेंस दिया है, और कन्वेंस का अकाउंट नहीं है, तो आप फटाफट से बना लेंगे कन्वेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, GST भी इसके ऊपर में नॉट एप्लीकेबल रहेगा, नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव कर लीजिए। जैसे कि 50 रुपये की पेमेंट की है तो आप डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हैं। नरेशन में जो भी आप लिखना चाहते हैं, एम्प्लॉय का नाम, कौन कहाँ से कहाँ तक गया, किस डेट को गया, उसकी डिटेल्स वगैरह सारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय को आप लोग एडवांस देते हैं, तो आप HDFC से डायरेक्टली, मतलब बैंक से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय को आप एडवांस देंगे, सपोज 2,000 रुपीज़ आपने एक्सपेंसेस के लिए दिया, तो नरेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपने उसको चेक दिया था, तो उसकी डिटेल लिख सकते हैं, और चेक नंबर और फॉर एक्सपेंसेस जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के इसको आप सेव कर सकते हैं। इसकी डिटेल अगर आपको देखनी है तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट और सॉरी अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे, नहीं, स्टेटमेंट स्टेटमेंट अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे, और यहाँ से पेमेंट रजिस्टर पे जाएंगे, और यहाँ से कितनी पेमेंट्स आपने की है वो देख सकते हैं। यहाँ से आप कॉन्ट्रा की देख सकते हैं, और यहाँ से आप रिसिप्ट्स की देख सकते हैं। सेल परचेज अभी हम करने वाले हैं तब हम यहाँ पर देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे जनरल रजिस्टर, जो कि जनरल वाउचर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर बुक करने जा रहे हैं।